सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। आज का पंचांग 27 फरवरी 2020, दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 1:08 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:40 से 3:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 1:08 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। धनु राशि 27 फरवरी 2020, दिन गुरुवार, घर में नवीनीकरण या मरम्मत के लिए यह समय अच्छा है। प्रियजनों के आसपास होने से आप नई योजनाएं बना सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने रूप में बदलाव करने जैसे नए हेयर कट के बारे में सोच सकते हैं। निरस्ता से प्यार की ओर जाने के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से मिला संतोष आपको आनंदित रखेगा। आज जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास करें। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं या नहीं। आपको दूर के संबंधों से लाभ होगा। कार्यों के कारण सम्मान बना रहेगा तथा सम्मान में वृद्धि होगी। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं लेकिन विरोधियों के सारे प्रयास विफल जाएंगे। माता की कृपा तथा भौतिक संसाधनों का सुख और सहयोग सजग बना रहेगा। आज अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उन्हें नकारने की बजाय उनसे सीख लें तो भविष्य में कई और गलतियों से सीख सकते हैं। भविष्य के लिए आज की योजना ना बनाएं, नहीं तो बाद में उनमें बहुत फेरबदल करने पड़ सकते हैं। आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर ना लें, ना ही उनके कारण अपने अहम को बढ़ने दें, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सावधानियां, पारिवारिक जीवन को लेकर मन कुछ अप्रसन्न रह सकता है अथवा किसी प्रियजन की बीमारी के वजह से चिंता रह सकती है। जीवन साथी से बहुत अधिक मतभेद हो सकता है अतः प्रयास करें कि तनाव की वजह आप ना बने। यात्राएं कष्टकारी होगी अतः जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा ना करें। लव लाइफ की बात करें तो अपने व्यक्तित्व और बनावट में बदलाव करके आप अपने साथी का दिल जीत सकते हैं, उसका दिल जीत सकते हैं जिसके लिए आप पागल हैं। साथी के परिवार की तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है किंतु आप अपनी समझदारी से सब कुछ सही कर देंगे। साथ में घूमना शॉपिंग करना आपके जीवन में नई जान डाल सकता है। करियर की बात करें तो किसी नए कार्य या स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए आज का समय बेहतरीन है। अपनी शक्ति और कमजोरी को जाने व आने वाली बाधाओं का डट का सामना करें। याद रखें दुर्भाग्य और असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है जो आपको कोई न कोई सीख अवश्य देते हैं। सेहत की बात करें तो आज किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और हिम्मत से करने का आपका मन करेगा। इससे आपका दिमाग और मूड दोनों ही शांत रहेंगे और जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से घबराएं नहीं। आप चिंता ना करें और अपना ध्यान बड़े कार्यों में लगाकर उसके सकारात्मक परिणामों के साथ खुशी से जिएं। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।